हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और आज आप देख रहे हैं मुझे कुछ कोर्सेज के साथ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी यूपी का भी बैच स्टार्ट हो जाए और आपके उत्तराखंड का भी हो जाए, डीएसएसपी का भी हो जाए और हरियाणा का भी हो जाए, क्योंकि हरियाणा में जो वैकेंसीज हैं आप देख रहे हैं अभी हरियाणा की वैकेंसी रिलीज होने वाली है। ठीक है, जैसे कि जो पिछली वैकेंसी थी पीजीटी वाली, स्क्रीनिंग की मैं बात कर रही हूँ, पीजीटी स्क्रीनिंग की जो वैकेंसीज थी वो विदड्रॉ हो चुकी है, तो उनकी जगह पर नए सिलेबस के आधार पर, मतलब सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, वही रहेगा, तो वैकेंसी रिलीज होने वाली है जल्दी ही। तो पीजीटी में स्क्रीनिंग की जो भी लोग, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे ही ऑब्वियसली। तो जो लोग जैसे तैयारी कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। जिन लोगों को कोर्स परचेस करना था, क्योंकि कुछ के कॉल्स मेरे पास बाद में आए थे, मैंने मना कर दिया था क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी था और इतनी जल्दी कंप्लीट कराना इम्पॉसिबल था, क्योंकि टाइमिंग लास्ट टाइम भी इन्होंने कम दी थी, बट ये तो एग्जाम ही नहीं हो पाया था आप लोगों का। ठीक है, तो इसीलिए देखिएगा क्या है कि इस बार जो है कोर्सेज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। कोर्सेज तो आप पीछे देख रहे हैं, तो ये मेरे एप्लीकेशन पे जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहीं पर स्टोर में तो आपको मिल जाएगा जो भी कोर्स है यूपी टीजीटी का भी, क्योंकि नया बैच शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड और यूपी का जो है सिलेबस, देखिए यहाँ आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो सिलेबस देखिए मैं बता देती हूँ, सिलेबस सेम ही होता है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो सिलेबस में क्या होता है, देखिए आपके जो सिलेबस होते हैं ना वो दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंडियन आर्ट, ठीक है, एक होता है वेस्टर्न आर्ट, एक आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर ग्राफिक वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलेंगे इंडियन आर्ट जो होता है वो सभी में होता है, ऑल एग्जाम में होता है, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो तो मोस्टली स्टेट में देखिए इंडियन आर्ट पूछा जाता है, क्योंकि भारत में रहते हैं, भारतीय कला को तो पूछा ही जाएगा। जैसे प्रागैतिहासिक कला है, सिंधु घाटी सभ्यता है, मुगल कला है, राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली है, पाल शैली है, और ये जो आर्टिस्ट हैं भारतीय आर्टिस्ट, तो यह हर किसी में पूछे जाते हैं। हाँ, आर्टिस्ट में देखिएगा इतना रहता है, किसी की में कम आते हैं, किसी की में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का लास्ट टाइम सिलेबस था, जो वैकेंसी रद्द कर दी गई है, तो उत्तराखंड में वो सिलेबस कम ही था, ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने सिलेबस से बाहर भी आर्टिस्ट को उठा लिया था, क्वेश्चन उठा लिए थे, बट हो सकता है देखिए इस बार क्या सीन रहेगा। अब टीजीटी और पीजीटी में ये दोनों आते ही आते हैं, इंडियन और वेस्टर्न आता है। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, जहां से सिलेबस ज्यादा होता है वहां से वो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देती हूँ, तो घबराइएगा मत, ऐसा नहीं है कि मैं कम पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं, उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीएसएससी का आपके सामने है, डीएसएससी में तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, चार सब्जेक्ट सॉरी। ठीक है, और आर्ट भी है पांचवा सब्जेक्ट, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वही है, एक जीके नहीं है, जीके आप लोगों को मैं गाइड कर सकती हूँ, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, वो बड़े रीजनेबल प्राइस में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, अब बात आती है हरियाणा वालों की, तो हरियाणा वालों का न्यू सिलेबस रिलीज होने वाला है, उसका भी बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जगह खाली है इस साइड, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो बैच है वो, चलिए बैच ही खुल गया, वो गायब हो गया, उसको खुलने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक, ये देखिएगा ये जो जगह खाली है ये हरियाणा का ही है, न्यू बैच जो है, तो वो जो हरियाणा के एस्पायरेंट्स हैं वो लोग जुड़ सकते हैं बड़े रीजनेबल प्राइस में, जिनको पढ़ना है, कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बेटर कर सकते हैं तो बेफिक्र होकर करिएगा। ठीक है, तब भी मेरा सपोर्ट है, क्योंकि लाइव क्लासेस भी मैं ले रही हूँ, क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ, तो चिंता मत करिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपी की डेट कब आएगी। तो यूपी की डेट को लेकर बड़ा ही जो है आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो उसी पर हम बात कर लेते हैं यूपी की डेट को लेकर। देखिएगा यूपी की डेट जल्दी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, हो सकता थोड़ा सा समय तो लग ही रहा है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि यूपी में पहले से वैसे भी ऐसा होता आया है, बहुत देखिए आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ कि मेहनत करने का मन नहीं करता, जब ज्यादा टाइम हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो एक बार को ऐसा लगता है कि नहीं अब जो है सब्र का बांध टूट चुका है, एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जितना लेट एग्जाम होगा उतना ही कॉम्पिटिशन भी टफ होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लेट एग्जाम हो रहा है तो वो लोग पढ़ना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार आप बोर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज मेरी याद रखेंगे, जो एग्जाम लेट हो रहा है तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे,
रेगुलर जो चीज हमारी रूटीन में चलती है उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इस एग्जाम में यूपी टीजीटी के वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे जो एक्सपर्ट रहेंगे, जो कंटिन्यू बनाकर चले हैं। जैसे बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो बड़े अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं और सबके जो है व्यूज जो एकदम आंसर देते हैं, और 50 में कराती हूँ तो 49-46 इस तरह से आप लोगों के सही जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश करिएगा ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें तो एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, और उस तरफ से ध्यान हटा दीजिएगा, और जब ध्यान हटा देंगे तभी एग्जाम की डेट आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी 2023 में ही। फिर जल्दी से नई वैकेंसी भी रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है टेक्निकल आर्ट 12, तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से न्यू वैकेंसीज कब आएंगी, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।